is Manoj Kumar Jha, Professor Jha. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. Can I request, because I had made the request to Honorable Deputy Chairman in the morning, this be treated as my maiden speech. इसे मैंने बहुत बचा के रखा था सर. मैंने सोचा था कि प्रधानमंत्री जी जिस दिन होंगे उनके सामने बोलूंगा, शिकायतों का पिटारा खोलूंगा, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा. ये न थी हमारी किस्मत के विशाले यार होता, इसलिए मैंने कहा. कैन दिस बी ट्रीटेड एज माई मेडन स्पीच सर? यू स्टार्ट योर स्पीच. थैंक यू सो मच सर. सर 124वें संविधान संशोधन विधेयक के विपक्ष में मैं बोलने को खड़ा हूं. सदन को भी बताना चाहता हूं और सड़क पर भी लोगों को बताना चाहता हूं कि हम विपक्ष में क्यों हैं सर. हम सामाजिक न्याय और बहुजन चिंतन वाले दल हैं सर. हमारे नेता जो आज कई प्रताड़नाओं से गुजर रहे हैं, उसकी पैरोकारी में सबसे आगे थे. बहुत सारी मंजिलें बाकी थी, एक छोटी मंजिल हासिल हुई थी सर. लेकिन लोग तब हमसे पूछते हैं कि आपका पोजीशन क्या है. हमारा पोजीशन साफ तौर पे है. माननीय मंत्री महोदय हैं, कई और मंत्री महोदय थे सर. हमारा पोजीशन है आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं. आर्टिकल 15 टू बी रेड विथ क्लॉज 4, आर्टिकल 16 टू बी रेड विथ क्लॉज 4. सर कई दिनों तक चर्चा हुई थी जब ये दोनों आर्टिकल बने थे इसी सेंट्रल हॉल में सर, कई दिन तक. आज हमने चंद घंटे निर्धारित कर दिए और कहा इसकी आत्मा को मार दो, इसकी आत्मा का कत्ल कर दो. सर ऐसे नहीं हुआ करता है. ऐसे नीति और नियत की बात हुई, हमें तो नीति पर भी ऐतराज है और नियत पर भी ऐतराज. सर मैंने नहीं, शांत रहिए शांत रहिए. हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है, प्रोस्टॉक मत कीजिए. सर माननीय उपसभापति महोदय, मैंने कभी किसी पे टीका टिप्पणी नहीं की. जब बहुत अंदर दर्द हुआ तब भी टीका टिप्पणी नहीं की. अभी तो मैंने दर्द वाली कोई बात ही नहीं की थी. मैं तो सीधे तौर पे आपसे कहता हूं आरक्षण खत्म कर देंगे, जाति को खत्म करो पहले. नहीं, हमारे आपके अंदर सॉरी मैं सर ऐसा करता नहीं हूं, आज ना जाने क्या हो गया. सर बचपन से एक कहानी पढ़ी है, हम सब ने पढ़ी होगी सर. अक्सर कहानी में होता था एक गरीब ब्राह्मण था. सर कभी सुना है कि एक गरीब दलित था नाम की कोई कहानी हो? एक गरीब कुम्हार था, एक गरीब मल्लाह था, एक गरीब ठाकुर था, एक गरीब यादव था, एक गरीब कुर्मी था. क्योंकि उसके लिए कहानी नहीं बन सकती सर, वो हकीकत है. फिक्शनल चीजों पे कहानियां बना करती है और हमसे उम्मीद की जाती है कि हम यहां बैठ करके मध्य रात्रि की रॉबरी पर मुहर लगा दें. मिडनाइट रॉबरी हैज टू बी स्टॉप्ड. वी विल नॉट डू दैट सर. इसलिए नहीं करेंगे, बावजूद भ्रांतियां फैलाई जा रही है हमारे बारे में. सर एक लियोनार्ड कोहन का गाना है, एवरीबडी न्यू दैट द बोट वॉज लीकिंग, एवरीबडी न्यू दैट द कैप्टन लाइड. अब सर ये लीकिंग बोट Lies of the captain, और आप चाहते हम चीयर लीडर बन जाए, हम गाने गाने लगे उस ऑर्केस्ट्रा और उस कोरस में शामिल हो जाए? नहीं सर, हम बाबा साहब के मुरीद लोग हैं. हमें संविधान सभा की बैठकों से हमने प्रेरणा ली है कि संविधान सभा की बैठक की आत्मा थी कि एक एक आर्टिकल पर बात हुआ करती थी. मैं मेरा मुझको वाली जुबान नहीं थी कि साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय. ऐसे संविधान की रवायतें नहीं चलती हैं, ऐसे मुल्क नहीं चला करता है. चला करता होगा कोई और मुल्क प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, राजतंत्र में. प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं जब जब किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द ताना बाना बुनोगे, व्यवस्था लहूलुहान होगी, नीति और नियत दोनों जमीन पे औंधे मुंह खड़े मिलेंगे. सर कई बार कमाल की बात है, 3 अप्रैल से मैं आया हूं यहां, कई दफा जाति पे चर्चा हुई सर. हमारे अपने एक साथी कह गए कि गरीबी की कोई जात नहीं होती. मैंने इसी सदन में कहा है सर कि यह शायराना लगता है, काव्यात्मक लगता है, सुनने में अच्छा लगता है. सर सच तो यह है कि जातियों में गरीबी है. एक सैंपल सर्वे कर लीजिए कहीं 100 लोगों का, 90 लोग मिलेंगे ओबीसी एससी एसटी, 90 से ज्यादा, और तब मुसलमान
तब जाकर के आप कहोगे कि गरीबी की कोई जात नहीं होती। सर ये हिंदी फिल्मों के डायलॉग पर नहीं बात होनी चाहिए। यह हम अक्सर क्या करते हैं इस तरह की चीजों को कहते हैं, तालियां बजती हैं। सर आरक्षण के बारे में न जाने कितनी दफा बात हुई है, तमाम लोग जानते हैं, रामविलास जी जानते हैं, हमारे मंत्री महोदय, आरक्षण सर आमदनी बढ़ाओ योजना नहीं है। अरे पढ़िए ना संविधान सभा की बैठकों को, चर्चा सुनिए ना बाबा साहब क्या कहते हैं। बॉर्बोनिज्म नाम की बीमारी का जिक्र करते हुए कहते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं ऐसी बातें वही लोग करते हैं जिनको समझ नहीं है। सर ये इनकम जनरेशन प्रोग्राम नहीं है, ये मनरेगा की तरह पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है। हमने आरक्षण को मनरेगा की श्रेणी में ला दिया, ऐसा नहीं होता। आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है सर, और जिनको गुरेज है आरक्षण से अभी भी प्रतिनिधित्व देख लीजिए। प्रोफेसर रामगोपाल जी बता गए सर कैबिनेट से शुरू कीजिए और संसद के आखिरी पायदान तक आइए, आपको पता चल जाएगा कि जाति व्यवस्था का असर कितना है। और तब बात होती है कि जाति, अभी आप हमको तो एक चीज बहुत, वॉल्यूम 9 है सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का। मैं आग्रह करूंगा उपसभापति महोदय, हमारे भाजपा के लोग, विपक्ष के लोग सब पढ़े सर, एक बार जानना चाहिए सर कैसे कद के लोग थे और क्या सोचते थे और कैसे सोचते थे। इस तरह की सोच नहीं थी। अचानक में एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया, मैं तो इनका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव आखिरी में रखा था लेकिन अभी पढ़ देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, सर अगर इसको मैं रीनेम करूं तो कहूंगा स्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड अनरीजंस। सर ओपनिंग लाइन पढ़िए आप, एट प्रेजेंट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजंस, कहां से ज्ञान पाया भाई, कहां पट रहा है इतना बड़ा ज्ञान, हमें तो नहीं मिला। मंडल कमीशन सर जब आया ना, वॉल्यूमिनस दस्तावेज के साथ आया, जातियों के आंकड़े आए, जातियों की संख्या आई, और तब कहा गया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट की बार है एक कि 49.5% 50 को एक्सीड नहीं करेगा, बावजूद इसके क्या आबादी 52 थी, 27 में महदूद कर दी गई। सर अगर बैरियर, अगर ढाला उठाया है ना सर, तो ढाला ऐसा मत करो कि एक ट्रेन के गुजरने के लिए करो, जो सारी ट्रेन है ओबीसी की, एससीज की, एसटीज की, फैसला कीजिए, ऐतिहासिक फैसला होगा। संसद संकीर्ण दायरों में सोचने के लिए नहीं बनी है, संसद दलीय आधार पर। मैं तो भाजपा के साथियों से आग्रह करूंगा, आप में से कई लोग सेंट्रल हॉल में मिलते हो, आपके अंदर पीड़ा है मैं जानता हूं, आप परेशान हैं, क्योंकि विचार के गुच्छे के आधार पर, मैं किताब का पूरा नाम नहीं ले रहा हूं, एक किताब है बड़ी मशहूर किताब है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2015 के चुनाव में बिहार के गांव गांव में बता दिया था, नाम ले ही नहीं रहा हूं मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि ये जो थॉट्स किसी बंच से निकल करके आ रहे हैं, जिस पैर में ही दोष है, उस थॉट्स के आधार पर निर्णय ले रहे हो। कौन सा दस्तावेज है जिसने आपको यह बता दिया? मैं तो हंस के कह रहा था आज किसी से कि अगर मैं विश्वविद्यालय की नौकरी में नहीं होता, माफी के साथ कहता हूं सर, एफिडेविट गवाह है, 1,000 स्क्वायर फीट का मकान नहीं है मेरे पास, मैं भी हो जाता। ये कौन सी सोच, कौन सी समझ पे चीजों को ला रहे हैं? मूलतः आप एक एक कदम, आपके बारे में एक चीज मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है और मैं तारीफ करता हूं, पुरानी फिल्मों में एक गाना था, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार। आप ठहरे हुए पानी में कंकर मारते हो और देखते हो तरंग कैसी पैदा हो रही है, वाटर टेस्ट करते हो, वाटर टेस्ट कर रहे हो, आपने कंकर डाला ये 10% का और देख रहे हो कि तरंग कैसी पैदा हो रही है। सर ये तरंग ली जाएगी? आज जो लोग चुप्पी साधे हुए हैं, चाहे कहीं बैठे हुए हो, ये रास्ता तय हो रहा है कि जातिगत आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। क्यों नहीं सदन समवेत स्वर में, मैंने तो अमेंडमेंट लगाया था, दुर्भाग्य मेरा कई चीजों में रहता है, इसमें भी दुर्भाग्य था, हम और हमारी साथी ने लगाया था, वो अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं? सर मेडन टाइम इज ओवर, सर मेडन स्पीच, नो नो सर, गिव मी 2 मिनट्स, जस्ट 1 मिनट, सर गिव मी 2 मिनट्स टू कंक्लूड, नो जस्ट 1 मिनट, सर गिव मी 2 मिनट्स टू कंक्लूड, दिस इज नॉट योर मेडन स्पीच, योर मेडन स्पीच वाज गिवन ऑन 19/7/2018 ऑन द प्रिवेंशन ऑफ corruption bill. No, sir. You made your no, sir. I that is what the record says. Sir, I beg to differ. Anyway, please complain. I have complained about it. I have said it to, I have never used. Mera on record bayan hai, sir, house mein, okay. Ki main Pradhan Mantri ji ke saamne bolna chahta tha. Ab wo aaye nahi, to main kya karun? Sir, please conclude. Please conclude in 2 minutes. Sir, bas 2 minute lunga. Sir,
एक चीज जो सर थोड़ा ध्यान, बहुत महत्वपूर्ण मसला है सर, मैंने संविधान सभा की बैठकों का जिक्र किया सर, मैं आज आज कई अखबार सबने पढ़े होंगे सर, बैकवर्डनेस को लेकर के आप कैसे डिफाइन कर रहे हो बैकवर्डनेस, इतनी इतनी समझ का अभाव कैसे हो सकता है। बड़े विद्वान मंत्री हैं सर इस मंत्रिमंडल में, शायद उनकी सुनी नहीं जाती या वो बोल नहीं पाते हैं सर। सर अच्छे वकील कोई भी होते ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अनटेनेबिलिटी एंड लीगल इनटेनेबिलिटी दोनों के आधार पर इसको खारिज किया जाए, लेकिन ये पूरी की पूरी सरकार व्हाट्सएप पे चल रही है सर। मैं आपको एक चीज जो कहना चाहता हूं सर, अगर इतना डर रहे तो निजी क्षेत्र को हाथ लगाने में क्यों डर लग रहा है? निजी क्षेत्र कौन सा निजी होता है सर? कोई निजी नहीं होता निजी क्षेत्र सर। निजी क्षेत्र का मूल चरित्र है कि आप उसको तमाम तरह की रियायतें देते हो, लेकिन वहां चुप्पी साध के बैठे हुए हाथ बढ़ाइए, उनसे भी कहिए। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं सर, आप जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर क्यों कुंडली मार के बैठे हुए हो? क्या डरा रहा है आपको? क्या ओबीसी की आबादी 65 से 68% है? क्या एससी एससी की आबादी ज्यादा है और आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की हमारी मांग ये फिर से चली पड़ेगी? सर एक आखिरी टिप्पणी मैं करना चाह रहा था सर, बुरा ना माना जाए मेरे सर, बड़ी मुश्किल से सर, आदरणीय उपसभापति महोदय, बड़ी मुश्किल से यह हासिल हुआ है। उपसभापति महोदय गौर फरमाया जाए सर, बड़ी मुश्किल से सुबह में यह हासिल किया सर, रंग भी मिलता जुलता है सर। सर ये झुनझुना कहते हैं इसे, आमतौर पर यह बजता है सर, लेकिन इस दौर में यह झुनझुना सत्ता प्रतिष्ठान के पास है, हिलता है बजता नहीं है सर, हिलता है बजता नहीं है। अब सर आखिरी टिप्पणी एक कर देते, खत्म करता हूं। आखिरी टिप्पणी, चूंकि हम एकमात्र दल हैं जो खुलेआम विरोध कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप पिछड़ो, आप एंटी बैकवर्ड एंटी दलित हो, और ये डंके की चोट पर कह रहे हैं, आपके मनसा वाचा कर्मणा में ये चीजें हैं। आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा सर, हो गया 3 मिनट है आपका, हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से चाहे कोई हो सर, तकाजा नहीं बदलते हम सर। जय हिंद, थैंक यू सर। जय हिंद कहने से पहले मैं फिर से एक बात और कहना चाहता हूं सर, एक शेर था सर, ए आबरू दे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा, ये सिंध से शुरू हुआ सर। सर अगर वाह वाह किया है तो मुसलमानों को भी गले लगा लो भाई, ये नहीं हो सकता, गले लगा। अरे ये मुल्क नक्शा कागज पर नहीं है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इंसानों से बनता speaker, है ये मुल्क, इंसानों से बनता है। आई एम कॉलिंग द नेक्स्ट स्पीकर। ये मुल्क सर, ये मुल्क समृद्धि के 5 टापू नहीं तय करेंगे, ये मुल्क अवाम तय करेगी। दलित मुस्लिम पे चुप्पी क्यों, दलित क्रिश्चियन पे चुप्पी क्यों? सर आपकी चुप्पी हमें आपराधिक लगती है। थैंक यू। द नेक्स्ट स्पीकर इज जय हिंद डॉक्टर।